दोस्तों, आज तक आपने अपनी इमेज यानी कि फोटो का वॉलपेपर लगाया होगा या फिर दूसरी इमेज का वॉलपेपर आपने लगाया होगा, अदरवाइज आपने अलग अलग वॉलपेपर लगाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 3D और लाइव वॉलपेपर किस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हमारे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताना और लाइक भी आप कर देना। तो चलिए हम 3D वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं वो सीखने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक 3D वॉलपेपर है, जो कि आप यहाँ पर शेड द वॉलपेपर पर क्लिक करके आप शेड कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो चलिए ये हमारे स्क्रीन पर इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, देखो ये मेरी स्क्रीन पर आ गया, यानी कि होम स्क्रीन पर जो वॉलपेपर आपको नजर आ रहा है वो भी 3D। तो स्पेस 3D लाइव वॉलपेपर आप किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है कि स्पेस ये फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने स्पेस 3D लाइव वॉलपेपर्स पर क्लिक करें और आप इसे डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर न्यू फ्यूचर और आए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्पेस 3D लाइव वॉलपेपर, जो कि लाइव आपको शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो अपडेट हो गया है एप्लीकेशन, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कमेंट करके। तो चलिए ये आपके सामने खुल गया वापिस और ये है 3D वॉलपेपर। देखिए तो आप इसको अपनी स्क्रीन पर किस प्रकार से सेट कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ, आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे कि होम स्क्रीन पर न्यू आपका जो वॉलपेपर जो कि एप्लीकेशन है वो आगे होगी, इसको आपको पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पर जो तीर का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अलग अलग वॉलपेपर लगा सकते हैं, जैसे कि वेनस का है और मार्स का, जो सब बहुत सारे यानी अर्थ का है। मैं आपके सामने अर्थ का जो अप्लाई करके बता देता हूँ, जो होम स्क्रीन पर सेट कर लेता हूँ इसको। तो ये कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। इस वीडियो में इतना ही, हम लेटेस्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।